जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट में तुहाडा स्वागत करता। चीन विस्तारवादी नीति का धारनी रहा तो उसनू सुनेहा देना लाजमी है। सुनेहा दिता गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाते हैं नीमू पोस्ट से, उत्थे जाके उस सुनेहा देंदे है बिना चीन का नाम लए। इस सब के विचाले जवानों का हौसला वधाया जाता है, इस सब से सियासत भी शुरू हो जाती है। पर कुल मिला के एक सवाल पूछना लाजमी है कि इस सारे संबोधन के विचाले प्रधानमंत्री की कहना चाहते सी, की दसना चाहते सी, की हालात उत्थे तनावपूर्ण तो अगे बढ़ रहे हैं, इस सारे सवाल होंगे। जरूर एको वड़ा सवाल होगा मोदी का दुनिया नू की सुनेहा। पहला सुन लिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्थे क्या किया। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा, ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बड़ा सवाल एक पूछा जाएगा इस डिबेट में, बड़ा सवाल यह पूछांगे असी, पीएम मोदी ने विस्तारवाद में चुनौती देकर देश से दुनिया को की दसिया, इसे असी खुल के चर्चा करांगे। पैनल साडा मौजूद है, उन्होंने तारुफ करा रहे हैं लैफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर विचरते हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ ने आर्मी स्टाफ के, कोर्स कमांडर ने, श्रीनगर अडिशनल DGMO रहे हैं। टीवी डिबेट्स में अक्सर तुम इन्होंने देखते हो, सैमीनारा अक्सर तुम इन्होंने देखते हो। लैफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हरां की सोची इन्नी क चंकी हैगी कि सियासतदानों इन्हों सुनना पैंता, समझना पैंता कि यह कहना की चाहते हैं, तो इस करके इन्हों अज असी सद्या, तो इन्हों का बहुत धन्यवाद भी करते हैं। लैफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया जी। मुहम्मद खालिद पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर विचरते हैं, तो मुहम्मद खालिद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, इंटरनेशनल डायस्पोरा चंगी तरह समझते हैं, तो जो प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेंदे तो उदों पोलिटिकल साइंस की कहती है, उदों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कहती है कि है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स की कहती है, सब कुछ इन्होंने समझ की कोशिश करा। मुहम्मद खालिद साहब सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। गुरमीत सिंह जी, सब तो पहला सवाल तुहानू करना चाहूँगा। गुरमीत सिंह जी, जो प्रधानमंत्री उत्थे जाते हैं इन्ने हज़ारां फुट की उंचाई ते जाके चीन का नाम नहीं लेंदे, इस ते पहला सवाल खड़ा हो रहा, इस तो अगला सवाल यह है उत्थे जाके उन्होंने कीता की। गुरमीत सिंह जी,
देखो जी, पहली जी वड्डी गल हैगी, अज 3 जुलाई नू राष्ट्र दे प्रधानमंत्री जी उत्थे जांदे आ कि ग्राउंड विच फर्स्ट हैंड और जवानां नू मिलदे हैगे आ। इह कोई नॉर्मल जगह नहीं हैगी, 11,000 फुट हैगी आ, ऑक्सीजन की कमी हैगी है और बैटल ग्राउंड हैगा। यह सब तो वड्डी गल हैगी है। ये जिहड़े उच्चे लैवल दे लीडर होंदे हैगे, स्टेटमैन हैगे, उही कर सकते हैगे ने। और इस वेले जिहड़ा स्थिति हैगी है वह ईस्ट लद्दाख विच टेंशन हैगी है, लड़ाई की तैयारियां हैगियां, मीटिंग्स भी हो रही हैगियां, इस सिचुएशन हैगी है। और इस सिचुएशन जाके उन्होंने सब तो पहले उन्होंने हाथ फड़िया जवानों का, उन्होंने पूरे दिल दे नाल उन्होंने एप्रीसीएशन किया और उन्होंने जो प्रोग्राम सीगा उहदे मुताबिक वह हॉस्पिटल में गए, जिहड़े इंजर्ड सोल्जर सीगे उन्होंने मिले, उन्होंने पिठ थप थप थपाई, उन्होंने मोढ़ियां ते हाथ रखिया, ते उस तो बाद हो गए मेमोरियल और उन्होंने 20 शहीदों जिन्होंने 15 जून नू एक बहुत वड्डा काम किया। पहला जरा वड्डा काम किया उन्होंने कि अपने राष्ट्र वास्ते उन्होंने अपने प्राणा की आहुति दी, क्योंकि जेडे LSC ते उत्ते PLA और चाइना वाले ने एक जरूरत की थी, हिमाकत की थी, स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की थी। तो उहदे बदले में उन्होंने चाइना दे 43 तो ज्यादा जेडे सोल्जर है उन्होंने मार दिता, उन्होंने एक CO साहब न मार दिता। और दूजी वड्डी गल सी पूरे विश्व के सामने उन्होंने PLA का जरा झूठ सीगा, फ्रेब सीगा और जड़ी जी जी चलो वापस आने तो को गुरमीत सिंह जी। हाँ जी हाँ जी, मैं गुरमीत सिंह जी सर ये सवाल किया सर, मैं सवाल कर रहा सी सर, वो चाइना का नाम नहीं लै रहे, इंजे ते सियासत क्यों शुरू हो गई है, चाइना का नाम लेना जरूरी है? देखो जी ये तुहाडा सवाल बहुत चंगा हैगा, लेकिन जिहड़ा अज उन्होंने स्ट्रैटेजिक मैसेजेस कीती हैगी वह बहुत वड्डी कीती हैगी। लीडर किहो जिहा होना चाहीदा, ये पहली गल। दूजी गल उन्होंने चाइना नू बिल्कुल क्लीयर मैसेज दिता हैगा, 3 तुसीं नोट कर लो, बहुत वड्डी वड्डी गल्लां हैगियां। पहला है कि गलवान इज आवर्स और दूजा हैगा लद्दाख इज इंडियाज प्राइड और तीजा ये आख्या है कि चाइना और PLA नू एक सबक सिखाया हैगा। और ये तीनों ही गल्लां बहुत वड्डियां हैगियां। देखो जो तुसीं देखदे हैगे कि PLA ने की सबक सिखिया होगा, उन्होंने ये सबक सिखिया हैगा कि देखो जिहड़ा भारत की सेना हैगी आ, जिहड़े वीर योद्धा सीगे जिन्हां दा पार्थिव शरीर सीगा उन्होंने मतलब भारतीय सेना ने उन्होंने जिहड़ा पार्थिव शरीर उन्होंने पिंडां विच घल्लिया, उन्होंने फैमिली वाल घल्लिया, इन्नी इज्जत दित्ती उन्होंने लास्ट राइट्स विच। और चाइना वाले ने हाली मंजूर ही नहीं मन्ने नहीं है कि उन्होंने मरे है। ठीक है गुरमीत सिंह जी, मैं वापस आऊंगा सर, सर वापस आऊंगा गुरमीत सिंह जी, तुसी बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट शेयर कर रहे हो, वापस आऊंगा। मोहम्मद खालिद जी, इस मुद्दे ते सियासत नू की सुनेहा गया, दुनिया नू की सुनेहा गया जो प्रधानमंत्री उत्थे जांदे आ? देखो इदां हैगा, पहली तो चीज है ऑल थ्रू जिहड़ियां 2-3 प्राइम मिनिस्टर ने संबोधन किए हैं रीसेंट पास्ट दे विच, उहदे विच चाइना दा नाम लैता नहीं लैता, कोई नाम लैना कोई जरूरी नहीं हुंदा, संकेतिक कई चीजां कही जांदियां ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दे विच। और असीं देखदे हां कि अज भी चाइना दा नाम लैके चाइना बारे सारा कुछ कहता। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशनिज्म कीदी है, उत्थे पाकिस्तान दी एक्सपेंशनिज्म है, उत्थे अफगानिस्तान दी है, या कीदी है सिर्फ चाइना दी है? इस करके चाइना नूं बिना नाम लैते कहता कि तुहाडी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। और चाइना दी एक्सपेंशनिज्म सिर्फ इत्थे नहीं है, वो साउथ चाइना सी च भी है, वो अपने हांगकांग दे विच भी है, उत्थे कई टापू उत्थे साउथ चाइना सी च भी कब्जे च कर ले हैं, इत्थे भी हैगे और इत्थे भी एक जगह नहीं है। तुसीं ये देखो भूटान दे विच भी है, नेफा जिहड़ा हैगा अरुणाचल प्रदेश मैकमाहन लाइन उहनूं चाइना मन्नण वास्ते तैयार नहीं है, उत्तराखंड है, फिर लद्दाख है, हर जगह चाइना पीसमील तरीके दे नाल अगे वध रहा है। चाइना वांट्स के बिना लड़े इस तरीके के षड्यंत्रां दे नाल थोड़ा थोड़ा इलाका अगे वधदा चलिया जाए। और चाइना ने कई बार कई तरीकों के नाल थोड़ा थोड़ा इलाका इसे तरीके दे नाल अगे वध्या और लैता है।
ठीक ठीक है, मैं वापस आऊंगा खालिद साहब, मैं एक छोटा ब्रेक लेना सर, वापस आके मैं होर भी सवाल लेने तेरे तो, ब्रेक तो बाद वापस आवेंगे तो मोदी के ले दौरे ली तो की आएगा सवाल यह होगा जरूर, दुनिया की सुनेहा जा रहा है, यह सवाल भी असं लगातार कर रहे हैं, पर कुल मिला के देश के सुनेहा गया यह सवाल भी होना चाहिए, हालांकि दुनिया वाला सवाल बार बार आ रहा पर देश में भी कुछ सुनेहा गया है क्या उस सियासत में भी समझना पड़ेगा। ब्रेक तो वापस आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तारवाद को चुनौती देकर देश ते दुनिया को की दस्या। मोहम्मद खालिद साहब जी, आप जी गल कर रहे थे पॉलिटिकल एम्स तो नहीं है दोनों मुल्कों के, मेरा सवाल है सर, मैं गल, हाँ बोलो बोलो, मैं गल कह रहा सीगा केपी जी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन लीडर किस जगह ते खड़ के की गल कर रहा यही सवाल पूछा जा रहा सर, यही सवाल पूछा जा रहा है, कितनी दूरी से खड़े सिगे जिथे बैटल ग्राउंड है जिथे गलवान घाटी है उस तो कितनी दूरी से, यही सवाल किया जा रहा खाली साहब। देखो मैं तुम दसदा भी जेड़ा जिस जगह ते उन्होंने एड्रेस किया उन्होंने वो गलवान वैली तो अराउंड 50-60 किलोमीटर से इससे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन लेकिन जी मैं गल कह रहा हूँ है कि इसके अलावा इंटरनेशनल मैसेज जोड़ा गया है पाकिस्तान नू और गिलगित वालतिस्तान उत्थे नेड़े हैगा जिदे पर आपां अपनी एक स्ट्रेटजी हैगी है, इसे तरीके दे नाल चाइना नू एक मैसेज गया है उस ओ जगह इस करके भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर उहदे नेड़े हैगा जस्ट 150 किलोमीटर अराउंड, और इसे तरीके दे नाल आपां देखदे हां चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरीडोर बिल्कुल नेड़े है, कराकोरम हाईवे बिल्कुल नेड़े है। किन्ने किलोमीटर ते है, किन्ने किन्ने किलोमीटर ते खाली साहब? मैं तुहानू दसदा भी मुजफ्फराबाद जेड़ा के कैपिटल है पाकिस्तान आकूपाइड कश्मीर का वह 377 किलोमीटर है, जेड़ा अपने गिलगित वास्तिस्तान है 342 किलोमीटर है, इस्लामाबाद 431 किलोमीटर है, सियाचिन 154 किलोमीटर है उस जगह तो वह जी उस जगह पर गल कहनी वो एक मैसेज वाइड स्प्रैड है उस पूरे इलाके में, वो अफगानिस्तान तक भी जाता, वह पाकिस्तान तक भी जाता, चाइना तक भी जाता, इस करके ये जी गल कहनी उस जगह पर इस करके भी इंपॉर्टेंस रखती है कि इंडिया ने गल क्लीयर करती है चाइना नू ते बाकी सारे नू कि असी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो गल करांगे, जेड़ा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो गल करेगा उही जेड़ा हैगा शांति लिया सकदा है, वीकनेस जेड़ी हैगी शांति नहीं लिया सकदी, ये गल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया दे मिलिट्री परस्पेक्टिव तो भी इंडिया दे डिप्लोमेटिक परस्पेक्टिव तो। ठीक है, एक जनरल साहब एक सवाल यह भी होंदा कि जे तुहानू शांति चाहिए तो किसी ने किसी नू तां जिहड़ा डिफेंस तो पासे होकर गल करनी पवेगी, प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनेहा देने की कोशिश की है कि असी उस मोड़ विच नहीं है जिस देश दे इंडिया नू जाना जाता 1962 वाला भारत, कितने वह सुनेहा देने की कोशिश है प्रधानमंत्री की? देखो जी प्रधानमंत्री जी का जरा भाषण सीगा इनू दो रूप में लैना चाहिए है, पहला अपने सैनिकों नू कन्वे कर रहे थे उन्होंने शाबाशी दे रहे थे, पहली गल सी शाबाशी दी, दूजा सी संदेश, तीजा सी संकेत। ये देखो जरा उन्होंने एक बहुत वड्डी गल की है कि एक स्टेट्समैन की तरह कि अगर पीस चाहिए हैगी इट कैन बी ओनली फ्रॉम द पेडेस्ट्रल ऑफ स्ट्रेंथ, और अगली बार और जी उन्होंने दो कंपैरिजन किए है एक जरा विस्तारवाद एक्सपेंशनिज्म और दूजा विस्तार जरा है विकास वाली गल की है ये चाइना की जी पॉलिसी रही है साइचिन जरा ईस्ट लद्दाख के अगे जरा है उस इलाके में चाइना इज इन एडवर्स पोजीशन ऑफ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, और जरा अगर तुम सोच विचार गहरी करो एक्चुअली 15 जून तो बाद जरा चाइना ने गलतियां कीतियां है गया। और मैं ये कहूंगा कि जरा दिसंबर 2019 तो चाइना गलतियां दे उत्ते गलतियां करता जा रहा है, ब्लंडर्स करता जा रहा है, ये हुण सारे दा पेशेंस टुट गया है, और हुण जिहड़ी पहली गल्लां सी सोचदे सी कि समझदारी ना नहीं करनी चाहिए क्या वो प्रोफेसर साहब मेरे ना एग्री करनगे कि जिहदे उत्ते एक एक मैच्योरिटी दे नाल गल करदे सीगे उहदा जिहड़ा बांध हैगा वो टुट गया हैगा, हुण ते सारे ही कहणगे पूरा भारत कहूगा कि एक्सटेंशन वापस लेना चाहिए हैगा, पूरा भारत और पूरा विश्व कहूगा कि तिब्बत ताइवान साउथ चाइना सी ईस्ट चाइना सी सिनजियांग इन मंगोलिया मंचूरिया, हुण ते पूरा देखो इस तरह हैगा है कि 15 जून 2020 एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन सीगा क्योंकि उन्हें जो चाइना और पीएलए दे झूठ सीगे
ਉਹਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵਰਨੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 130 ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਔਰ ਗਲੋਬ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਇਵਾਨ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਵਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਔਰ ਲੀਗਲ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਨੌ ਡਾਟ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੈਟ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਥਿੰਗ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 43 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਚਾਈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਲਿਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾਂਡਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਰੀਟੇਟਡ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟਤੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੀਐਲਏ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ 20 ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 40 ਤੋਂ 43 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡੇ ਪੀਐਲਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 35, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 30-35 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਰ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਪੀਐਲਏ ਪੀਆਰਸੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 156 ਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 156 ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਯੋਧਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਥੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 1962 ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, 4 ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਬਾਤਚੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, 22 ਜੂਨ ਨੂੰ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਲੈਵਲ, 3-star ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੂਰਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੂਲ ਲੈ ਕੇ, ਬੈਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 2001 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸੀਗੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਈ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਕਿ ਆਲ ਦ ਸਟੋਰਸ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਲੱਡ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਇਕਨੋਮੀ ਆਫ US ਐਂਡ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਚ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟੋਲਨ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟਡ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਬਰੇਲਾ ਐਂਡ ਚੱਪਲਸ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਇਕਨੋਮੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ ਰਿਮੇਨ ਵਿਦ ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਆਲ ਨੇਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 million ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 0.5 million ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹੈਜ਼ ਇੰਜੋਇਡ ਦਿਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨਰੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਟੂ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਸੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ PLA ਨੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਚਾਈਨਾ ਬਾਈਕੋਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਾਇਬਲ ਹੈ ਸਰ ਚਾਈਨਾ ਬਾਈਕੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਮੈਂ KP ਜੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਮਰਜ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 43 ਮਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਦੇ ਡੋਂਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੀਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੀ ਜਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਈਏ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 59 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਚਾਂਸ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਵਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਵੀਅਰਲੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ WTO ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ WTO ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ WHO ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ WHO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਟਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਟਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ WHO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਖਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਕ ਪਵੇ ਔਰ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਦ ਲਾਈਕਿੰਗ ਆਫ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
जिस वेले असी जेड़ा वाई जंक्शन है उहदे उहनूं रस्ता जेड़ा है खोलना शुरू किया, उस दे बाद ही चाइना ने उहदा रिएक्ट किया। ठीक है जनरल साहब, तुसीं एक गल कह रहे हो साइकोलॉजिकल वार करदा है चाइना, जिहड़ी हुण चाइना दी स्टेटमेंट आई है जिंदे विच ओह प्रभाषित कर रहे हैं कि दोवां देशां नूं कोई इहो जिहा कदम नहीं चुकना चाहीदा जिस नाल सरहद ते तनाव होर वध जावे। इहदा मतलब यह समझा जाए कि चाइना आपदे आप नूं वर्ल्ड लैवल ते बोणा साबित होया दिखाउणा चाहुंदा है जां इह दस्सणा चाहुंदा है कि असीं वार नहीं चाहुंदेगे? सर ये चाइना का मतलब की है गल कहण दा, जां चाइना वर्ल्ड लैवल ते एक सिंपथी लैण दी कोशिश विच है, इहदा मतलब की समझा इस स्टेटमेंट का? केपी साहब जो सवाल किया है और आखिर में जो शब्द यूज किया है कि अपने आप सिंसियर दिखाना चाहता है चाइना, देखो जरा 15 जून बिल्कुल चाइना पीएलए के उत्ते विश्वास उठ गया है, उन्होंने उस दिन विश्वासघात किया है, छल कपट किया है, सब तो वड्डी जिहड़ी फैटैलिटी हुई है और ट्रस्ट दी हुई है। और जदों का कोविड होया है पूरा विश्व समझ गया है कि चाइना झूठ बोलता है, चाइना ने जो फैक्ट्स एंड फिगर वो छुपा के रखते है। और देखो इस तरह की प्रोफेसर साहब ने एक बड़ी सोहनी गल की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गल की है, मैं एज ए फौजी आई वॉन्ट टू एड वन पॉइंट टू दैट कि जो स्ट्रैटेजिक रोड्स है बॉर्डर एरिया चाइना के नाल लगते है और साड़ी जमीन में है, विच आर ऑन आर साइड ऑफ द एलएसी एंड द बॉर्डर 73 रोड्स बनाने की प्लैनिंग सी साड़ी, और 61 बन गए है। ये जरा दरबुक श्योक डीबीओ की सड़क हैगी 237 ब्रिजेस है, ये तो साढ़े इलाके में है। सो वी डोंट हैव टू जस्टिफाई टू एनीबॉडी चाइना जी जी फॉरन अफेयर ने जरा हमने स्टेटमेंट दिता सीगा अज दी मतलब 3 तरीक नूं जरा दिता हैगा, उहदे विच उन्होंने दे हैव सेड दैट both side should honor the agreement। ते 15 जून नूं agreement protocol किथे चले गए सीगे जदों उन्होंने ट्रेचरी कीती सीगी, फिर उन्होंने कहा कि both side should adhere by the mutual consensus। गरमीत सिंह जी तुसीं बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट लैके आए हो, गरमीत सिंह जी सर तुसीं बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट लैके आए हो एग्रीमेंट वाला। सर जिहड़ा सवाल इत्थों चुक्या जा रहा इत्थों दे सियासतदानां वल्लों एग्रीमेंट वाला भी उत्थे हथियार नहीं हैगे सी साडी फौज कोले, जिवें तुसीं कह रहे हो जिवें तुहाडी गल ते तुरां अगे कि 43 जवान उहनां दे मारे आ, फिर एग्रीमेंट जे उहनां ने तोड़िया सर असीं वी इहनां दा तोड़ता ना, असीं वी मारते ना, फिर तां बराबर हो गया साहब जिवें तुहाडे मुताबिक चलना, फिर इह सियासत नूं नहीं सवाल करना चाहीदा वाला? देखो केपी जी इह कोई जीरो सम गेम नहीं हो रही हैगी है, इह गल हैगी राष्ट्र दी सुरक्षा दी गल हैगी है, इह कोई 20, 33, 43 की गल नहीं हैगी है, यह हैगी है असूलों की गल, यह हैगी सिद्धांत की गल। ये देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 बहुत वड्डियां गल्लां कीतियां सी, उहदे विचों सब तो वड्डी गल सी कि सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के उत्ते कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये किसी नूं कोई शक नहीं होना चाहिए हैगा। और एक जिहड़ी तुसीं गल कीती सीगी प्रोफेसर साहब ने, बड़ी प्रोफेसर साहब की गल्लां सुन के अज बहुत चंगा लग्या कि इनी मैच्योरिटी इनी डेप्थ दे नाल गल्लां कीती है क्या, माई रिस्पेक्ट टू यू प्रोफेसर साहब, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट व्हाट यू। थैंक यू जनरल साहब। जिहड़े भारत दे कुछ एक तिथियां हैगियां, सब तो वड्डी तिथि हैगी है 5 अगस्त 2019 जदों भारत ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया, दूजी तिथि हैगी 6 अगस्त 2019 जदों भारत ने आख्या कि पीओके लिया जाएगा वापिस, इसके लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी तो देंगे, और ये भी आख्या गया कि एक्सटेंशन विल बी टेकन बैक। फिर 31 अक्टूबर 2019 दो यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया, उस तो बाद नवंबर 2019 सर्वे ऑफ इंडिया ने एक दो मैप इशू किए जो यूनियन टेरिटरी ऑफ ले विच क्लीयर दिखाया सीगा कि एक्सटेंशन इज इंक्लूसिव पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें दिखाया गया सी है वी हैव गॉट अ बॉर्डर ऑफ 136 किलोमीटर विद अफगानिस्तान, जिसमें दिखाया गया सी है कि चाइना और पाकिस्तान का कोई बॉर्डर नहीं है, अगर कोई बॉर्डर नहीं है तो जरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर है इनू कभी भी भारत मंजूरी नहीं दे सकता है। जी ठीक है, बड़े इंपोर्टेंट पॉइंट तुम शेयर किए, एक और छोटा ब्रेक लूंगा, ब्रेक तो वापस आऊंगा। जो पॉइंट तुम रखता आर्टिकल 370 का, लद्दाख का, पीओके का, एक्सटेंशन का, ये सारे पॉइंट जो रखते हैं वापस आके मोहम्मद खालिद तो सवाल होगा जरूर, जिहड़ा मामला उन्होंने गनाया है 500 किलोमीटर का दायरा, उस 500 किलोमीटर दायरे में ये पॉइंट है जो कि नियमित रखते, फिर तो वापस आके सारे सवाल होंगे जरूर।
पीएम मोदी ने विस्तार भावें चुनौती देकर देश ते दुनिया नूं की दस्सिया। मोहम्मद खालिद साहब, जिहड़ा मैं पहले सैगमेंट दे विच सवाल छड्ड के गया सीगा, उस सवाल नूं तुहाडे कोल जरा आ रहा सर। उहदे विच तुहानूं आर्टिकल 370 POK गिलगत बालिस्तान जनरल साहब ने जिहड़ी एक्साइशन की गल की हैगी है, किहड़ा पॉइंट तुहानूं वाजिब लगता जिंदे ते साडी रणनीति आ स्ट्रोंग है? देखो, दो तीन चीजें ना बड़िया इंपोर्टेंट है और अपन दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर का 22% एरिया जिहड़ा हैगा वो कश्मीर कोल चाइना को, और तकरीबन 30-32% एरिया जिहड़ा हैगा पाकिस्तान कोल है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आप हमेशा गल करते हैं, वी विल टेक बैक। एक्साइचिन का एरिया जिहड़ा चाइना कोल है, जिन्हों मैं चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर कहना COK, अगर POK असी वापस लेना तो COK वास्ते भी उतना ही ज्यादा स्ट्रेसफुल रहना चाहिए जिन्ना के प्रधानमंत्री साहब ने COK की गल करनी चाहिए सी उत्थे जां नहीं करनी चाहिए सी? मैं कहना जी, जिस वेले अमित शाह ने पार्लियामेंट दे विच एक गल कह दी कि जब जम्मू एंड कश्मीर की गल करदे आ ते एक्साइचिन की गल भी विच है, तां उत्थे भी यह गल करनी चाहिए थी कि असी यह जिहड़ा साडा एरिया जिहड़ा हैगा जिहड़ा कि जम्मू एंड कश्मीर का एक इंटैग्रल पार्ट है, कंट्री का इंटैग्रल पार्ट है, और किसी परिस्थिति दे विच चाइना कोल चला गया जिवें कि पाकिस्तान कोल चला गया और वह तो भी चाइना अगे वध रहा है, उस चीज़ नूं असी ठल पावांगे तो असी वह एरिया वापस लवांगे। ये चीज़ जिहड़ी हैगी है डंके दी चोट ते, अगर साढ़े कोल स्ट्रोंग लीडरशिप है तो स्ट्रोंग लीडरशिप नूं अपनी स्ट्रेंथ इस चीज़ के उपर भी उन्नी दिखानी चाहिए है जिनी आपां POK बारे दिखाने। सर मोहम्मद खालिद साहब, एक होर पॉइंट दस दो, जनरल साहब ने जिहड़ा आर्टिकल 370 की गल कीती है, इन्होंने 5 अगस्त 6 अगस्त सारियां तरीकां गणाईआं जी। मैं तुहानूं दसदा जी, आर्टिकल 370 जिहड़ा हैगा जिहड़ा कि साडे संविधान दे विच इनकॉर्पोरेट किया गया लेटर, जिहड़ा कि टैंपरेरी प्रोविजन दे तौर ते सीगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कई अपनी जजमेंट्स के किया ये टैंपरेरी प्रोविजन भी ऑलमोस्ट परमानेंट है, उहनूं खत्म करन दे विच क्या लीगलिटी इस्तेमाल की गई, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग इस्तेमाल किया गया नहीं, वह सुप्रीम कोर्ट के अगे ऑलरेडी कई रिट पटीशन है। लेकिन इन्ना जरूर है कि किसी भी इलाके कंट्री दे तुसी जैक बूट ऑफ द स्टेट दे अंडर परमानेंटली रख के नाल नहीं रख सकते, लोगों नू नाल लेके चलना पएगा। अगर जम्मू एंड कश्मीर दे लोग नाल चलनगे तां ही तुसी उस इलाके नू अपना बना के रख सकते हो। असी जम्मू एंड कश्मीर अनफॉर्चुनेटली इदां लगता है कि असी जम्मू एंड कश्मीर की टेरेटरी तो अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन उत्थे दे लोगों नू अपना नहीं बनाना चाहते, जिस तरह की उत्थे परिस्थिति है वह चीज़ जिहड़ी हैगी जद तक चलती रहेगी उत्थे पीस या शांति नहीं हो सकती। जनरल साहब, तुसी इस स्टेटमेंट नाल इत्तेफाक रखते हो? देखो जी, इस तरह है कि जिहड़े कश्मीर की आवाम हैगी है वह साडा परिवार हैगा। मैं तो उत्थे 10 साल नौकरी की हैगी है, ब्रिगेड कमांडर तो लैके कोर कमांडर तक, और सदा यह असूल रहा है कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का हरेक इंसान साढ़े परिवार का हिस्सा है। लेकिन गल की हैगी है, जरा पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप है ने, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है काउंटर टेररिज्म दे, इन्होंने जरा लाई प्रोपागेंडा टेरर फंडामेंटलिज्म एक्सट्रीजम का जरा खेल खेलिया, ये 5 अगस्त तो हुण खत्म होना शुरू हो गया है। अगर तुम देखो इस साल दे विच हाली 7वां महीना चढ़िया है और 116 टेररिस्ट नूं मारता है, और जून दे महीने विच ही 14 एनकाउंटर होए गए और 48 टेररिस्ट नूं मारता है। और देखो जिहड़ी ये जिम्मेवारी हैगी है, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, इंपलॉयमेंट, सोशल री इंजीनियरिंग की सोच और विचार की, ये सानू सारे नू मिल के ये जरा विकास करना है, जिहड़ी डेवलपमेंट करनी है ये करना पाऊगा। ठीक है गुरमीत सिंह जी, आप आखिरी हिस्से च है गुरमीत सिंह जी, मैं कुछ सवाल तुहाडे तों ले लवां, इस सारी टेंशन दे विच कोई हथियार तो नहीं भेजूगा सर? दोबारा सवाल करियो गुरमीत सिंह जी, इस सारी टेंशन दे विच कोई हथियार तो नहीं भेजूगा? हथियार की मतलब होया? हथियार वेचता नहीं जाऊगा, हथियारों के सौदे तो नहीं करजूगा कोई इस सारी टेंशन के विचाले? मैं KP जी अपना सवाल थोड़ा होर विस्तार में करो। हाँ, मैं थोड़ा विस्तार दस दिना, असी रशिया नाल मीटिंगा करते हैं, रशिया इस सारी टेंशन के विचाले आपके हथियार तो नहीं भेजूगा सर? देखो इस तरह है जी, डिफेंस प्रिपेयरनेस वास्ते कुछ भी करना पड़ेगा भारत करूगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन सब तो वड्डी गल्ल ये हैगी है
कि भारत ने एक गल सीख ली हैगी है कि मेक इन इंडिया ही होगा, मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर और थोड़े देर जी 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 खाली साहब जो सवाल मैं जनरल साहब किया यही सवाल तुम्हें कर रहा सर मैं आ रहा गरमीत सिंह जी लास्ट मिनट लाऊंगा थोड़े यही सवाल तुम्हें कर रहा सर इस टेंशन के विचाले कोई आपदा तो नहीं मारका मार जूगा अमरीका की स्टेटमेंट आँदी है रशिया की आँदी है मैं आ रहा सर दो मिनट आ रहा गुरमीत सिंह जी थोड़े को हाँ खाली साहब देखो इदा के पी सिंह जी असी ऑलरेडी वर्ल्ड के सब तो ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है इंपोर्टर है असी अमेरिका तो भी हथियार खरीद रहे हैं फ्रांस तो रफेल भी आ रहा है रशिया तो भी आ रहा है असी ऑलरेडी बहुत हथियार खरीद रहे हैं और उस इलाके दे विच जिहड़ा हाईली मतलब डिफेंस सेंसिटिव इलाका हैगा उहदे उपर साडा हथियार बहुत जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर दे विच ते उस इलाके दे इस करके हथियार लोग सानू बेच रहे हैं और असी भी हथियार खरीद रहे हैं। ठीक है एक आखिरी सवाल मोहम्मद खाली तुहानू फिर लास्ट मिनट गुरमीत सिंह हरना दा मैं लैणा है विस्तारवाद ते विकासवाद सिर्फ सियासत है एक सुनेहा है जां इहदी जमीन ते कुछ हैगा पॉलिटिशियन दा काम है सियासत भी करनी है उहदे विचों और मैं तुहानूं दसदा कि जिहड़ा आत्म निर्भरता या विकासवाद है इह तां नहरू दे टाइम तों चले आ रहा है पंडित जवाहर लाल नहरू भी सेल्फ सफिशिएंट इंडिया की गल करदे सीगे फिर आपने मेक इन इंडिया की गल की जिहड़ा कि फेल हो गया हुण ये देखते हैं भी हुण आत्म निर्भर भारत जिहड़ा हैगा वह कित्थे तक कामयाब हुंदा है ये तो आने वाले दिनों पता रहेगा जिस वेले डिफेंस दे साडे इंपोर्ट्स घटन गियां और असीं आपां बनाउणा शुरू करांगे। ठीक है लास्ट कमेंट जनरल साहब लास्ट कमेंट तुहाडा चाहिए इस सारी पॉलिटिक्स नूं किस तरीके नाल समझा जाए इस सारी स्ट्रैटेजी किस तरीके समझा जाए पहला राजनाथ सिंह हरां ने जाना सीगा एंड मूवमेंट ते भारत दे प्रधानमंत्री खुद जाते हैं इहदा मतलब की समझा जाए पुराने तरीके सीगे हुण सारे नए तरीके विच बदलन डे हैगे और कोविड विच सब तो वड्डी जिहड़ी सिख हैगी है ओह इह हैगी कि वील हैव टू रीसेट आवरसेल्फ वील हैव टू रीबूट आवरसेल्फ वील हैव टू डीकपल एंड रीकपल मैनी अ थिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया जी केपी साहब ताडा कि इस ऑनर दिता हैगा ताडे प्रोग्राम विच आण वास्ते। गुरमीत सिंह जी सर ताडा भी बहुत धन्यवाद है तुसी इन्ना वक्त कढ़िया साडे लई मोहम्मद खाली साहब ताडा भी बहुत धन्यवाद तुसी दोनों मेहमानों ने बड़े ही इंपोर्टेंट पॉइंट साडे नाल शेयर किए हैं हालांकि कुछ पॉइंट बाकी है फिर तुहानू किस दिन सद्दांगे। मोदी का दुनिया में की सुनेहा है विस्तारवाद से विकासवाद के विचाले की सुनेहा देने की कोशिश की गई है चाइना का नाम लेना कितना जरूरी सी चाइना का नाम क्यों नहीं लिया गया पर कुल मिला के जो सुनेहा दिता गया उस सुनेहे में की पाया है सुनेहे में कित कोई सच तो नहीं छुपाया जा रहा इस सुनेहे में कोई झूठ तो नहीं दसाया जा रहा कोई जोड़े आंकड़े या दबाए तो नहीं जा रहे बहुत सारे सवाल है सियासतदान करते हैं सियासतदान सद के भी डिबेट कर लाँ कि पर जो कौमी सुरक्षा का मामला आता है उदो सोच समझ के सवाल भी पूछने पैंदे है उदो सोच समझ के जवाब भी देने पैंदे है पर कुल मिला के जो देश नूं असी सही दिशा में ले जावांगे देश नूं सही दसांगे तां ही तुहाडी क्रेडिबिलिटी बनती है असी कोशिश करते हैं कि तुहानूं सच दे नेड़े लिजाया जाए हालांकि पूरा सच हजे किसे दे सामने नहीं हैगा क्योंकि बहुत चीज़ां जिहड़ियां उह लुकियां होईयां क्योंकि जिहड़ी रणनीति है कि उह आपदे तरीके नाल काम करदी हैगी है पर जो सारी चीज़ां सामने आ जाणगियां उदों भी तुहानूं सब कुछ दसांगे असी कल्ले कल्ले पॉइंट ते डिबेट करते हैं अगे भी करते रहांगे बहुत धन्यवाद।